हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। मैं लगातार आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सभी भी आप बता दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम आने की संभावना है, ये लेके आया हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर 2022 को छोड़कर बाकी जो 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे बनाया हूँ, ताकि आप लोगों को आपको जो आंसर है वो सटीक से मिल सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपके आगे एग्जाम में जो भी हेल्पफुल वीडियो होगा आप मेरे इस चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने का कोई आपका पैसा नहीं जाता, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ उसके डायग्राम वाले क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल आपको 8 से 10 डायग्राम ही दिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंस होंगे, जहां से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं और अच्छे से देखकर भी लिख सकते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा अच्छे से है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेंडलीव लॉ ऑफ सेग्रेशन। ठीक है, ये मेंडलीव का सेग्रेशन जो मेथड था उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोग इसको देखकर लिखेंगे। ठीक है, नीचे आपका उसका डायग्राम मिल जाएगा, ये इस तरह से आप लोग उसका डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, अगर ये डायग्राम क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने बुक से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोलर कुकर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्लेन वर्किंग दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से आप लोग वर्किंग देख लेंगे। यहाँ से देखिए वर्किंग का फोटो खींच लेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छे से और पूरा लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा और यहाँ से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है ये। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, 2 या 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखकर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, हाउ इज एथेनॉल ऑब्टेंड इंडस्ट्रियली। ठीक है, इंडस्ट्री में एथेनॉल कैसे ऑब्टेंड किया जाता है, निकाला जाता है, तो यहां पे देखिए उसके एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहां पे देखिए और उसके डायग्राम यहां पे है। ठीक है, ये आप उसके डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां पर लिखा है, व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज प्रोड्यूस। विनेगर क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, सब 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा लिख कर आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज ए पॉलीमर्स, एक्सप्लेन द पॉलिनाइजेशन ऑफ इथेन। ठीक है, इसका आंसर देखिए यहाँ पे और इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट जितना मोस्ट लगाना है लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड रिप्रेजेंट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फ्लावर का मेल और फीमेल बनाना है, तो यहाँ पे देखिए फ्लावर का मेल और फीमेल बना हुआ है। इसी तरह का डायग्राम आप बनाएंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द गैस दैट हेल्प इन बर्निंग, हाउ विल यू प्रिपेयर इट इन लेबोरेटरी, डिस्क्राइब विद द लेबल डायग्राम एंड स्टेट इट यूज। देखिए सबसे पहले आपको बनाना है ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग, कौन सा गैस है, ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, 6 मार्क्स आता है इसमें, एक एक दो दो नंबर कर करके सब में पूरे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए यहाँ पे ये ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे और इसका डायग्राम ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे,
लिखा है एक्सप्लेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मोस्ट लगा लेंगे, केमिकल इक्वेशन, फिगर, मेथड, यूज, ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रोजन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट, मेथड, केमिकल इक्वेशन, लेवल डायग्राम, यूजेस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, इसलिए मैं ले लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा आते ही आते हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आगे अगर आप कमेंट्स करते हैं कोई भी तो उस पर भी वीडियो बना सकूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द हार्ट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन विद लेवल डायग्राम। ठीक है, मैन का डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, ऊपर में एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब द एग्जेक्टिव सिस्टम ऑफ मैन विद द लेवल डायग्राम, इसका भी यहाँ पे देखिए बना हुआ है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, उसके देख कर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटिंग सेपरेशन। ठीक है, 6 मार्क्स का, 3-3 नंबर में आता ही है या 2-2 नंबर में। ठीक है, कोई एक आपको बोलेगा इसमें। ठीक है, मैं तीनों इसलिए दे रहा हूँ ताकि तीनों आप अच्छे से कर लें, कोई एक आएगा ही आएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके जो भी पूरे बुक का जहाँ से भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें।